हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 10 मार्च 2019 संडे का दिन है। आज जो अपडेट लेके आया था वो एक्सिस बैंक लिमिटेड पे लेके आया था। मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया कि पॉजिटिव ट्रेंड है देखने को मिल सकता है। तो जब पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा तो उसमें कौन से बैंक से जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे ICICI बैंक। उसमें एक्सिस बैंक में एक अच्छा पैटर्न बन रहा है और एक्सिस बैंक में ज़्यादा ही वॉल्यूम देखने को मिल सकती है, प्राइस वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। एक्सिस बैंक देखेंगे तो 8 तारीख को जो क्लोजिंग हुआ है NSE पे 733.40, थोड़ा सा गिरावट के साथ चालू हुआ है। वॉल्यूम आता 77,44,794 शेयर का। इसका 52 वीक जो लो है 4481 है और हाई है 739, जो अभी ही बनाया है, इसने रिसेंटली बनाया है और वहाँ से हाई से बना करके उसके बाद थोड़ा सा डगमगा रहा है। इसका जो 8 तारीख को लो हाई था वो 728 का लो था, 737 का हाई था और 733.40 पे क्लोजिंग है। सेंटीमेंट की बात करूँ तो सेंटीमेंट में 33% बाय है, 67% सेल है। मार्केट कैप 1,88,285 है, बुक वैल्यू 250 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.93 है, फेस वैल्यू 2 है और डिलीवरी परसेंटेज देखा तो 41, 43, 53, मोर देन 40% डिलीवरी पे जा रहा है। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूँ तो आप देखेंगे वन डे छोड़ करके वन वीक, वन मंथ, वन थ्री, वन सिक्स मंथ, सब में पॉजिटिव रिटर्न दिया है इसने। शेयर होल्डिंग परसेंटेज की बात करें तो प्रमोटर के पास 23.71 जो अभी रिड्यूस किया है इसने, थोड़ा 23.71 हुआ है और म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस ने बाई किया है इसको। अगर रिकमेंडेशन की बात करो तो 860 का दिया है एंगल ब्रोकिंग ने, दिया 860 का, मोतीलाल ओसवाल ने 850 का, कार्वी ने ये पहले कहा था 4 फरवरी 2019 का 605 का सेल का रिकमेंडेशन दिया था कार्वी ने, और यहाँ ICICI डायरेक्ट ने 790 का। तो सबों ने इसको 790-800 के आसपास का इसका टारगेट दिया हुआ है। रिलायंस का 750 का, निर्मल बैंक का 762 का, HDFC सिक्योरिटीज का 743 का, ये 30 जनवरी 2019 का। तो अभी रिसेंट रिकमेंडेशन जो मोतीलाल ओसवाल ने 850 का दिया है, एंगल ब्रोकिंग ने 860 का दिया है। तो हो सकता है कि इसमें पॉजिटिवनेस आपको देखने को मिले और ये ऊपर किए जाते हुए भी देखिए आपको। NSE में जहाँ वॉल्यूम देखेंगे तो ये अभी जहाँ 74,80,00,000 होता था वहाँ पे वॉल्यूम में भी बढ़ गया है, 1,12,00,000, 1,05,00,000, 1,12,00,000 ऐसे वॉल्यूम के साथ हो रहा है। डिलीवरी परसेंटेज देखिए 38 से 45%, मोर देन 40%, एक अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। और जहाँ तक क्लोजिंग की बात देखें, वेटेड एवरेज क्लोजिंग की बात देखें तो वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल की ओर देते हुए क्लोज हुआ है। जहाँ इसको 703.09 पे क्लोज होना था वहाँ पे 733.40 के साथ क्लोज हुआ, 31 पैसे के ऊपर की और क्लोजिंग दे रहा है, ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब एक बार इसको अगर डेरिवेटिव में जाकर के देख ले तो क्या कर रहा है, एट द मनी देखिए ये 732 का 28 मार्च का एक्सिस बैंक है, 8 मार्च की जो क्लोजिंग है 732 की, ये पुट है, ये कॉल है। तो एट द मनी जाकर 720 पे देखें तो क्या हो रहा है, 720 पे देखेंगे तो आप अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब जो पहले शॉर्ट किया था बाहर निकल रहे हैं और 740 पे बाइंग हो रही है विद प्राइस पॉजिटिव एक्शन के साथ हो रही है। यहाँ पे 760 में जो पुराने शॉर्ट किए थे वो अनवाइंडिंग कर रहे हैं और प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो रहा है। तो 760 के बाइंग 11,14,000 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, 740 पे 15,70,000 का है। और अब इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्राइस एक्शन के साथ इसको 720 पे ही शॉर्ट किया जा रहा है और अभी जो बना 8 तारीख को उसी में 1,33,000 का, 8,60,000 का, 700 पे 12,00,000 का, 680 पे तो 1,33 का ओपन इंटरेस्ट बना 8 को और 8,77 का। तो ये ऊपर की ओर शॉर्टिंग की जा रही है, इनफैक्ट 740 तक शॉर्टिंग हो रहा है, शॉर्ट किया जा रहा है ऊपर पुट साइड को। तो मार्केट में ऊपर जाने की संभावना, 740 के कॉल ऑप्शन को देखें तो ये आपको 17 रुपये पे मिल रहा है। अगर इसमें डिटेल जा करके देखें क्या हुआ था, ये तो ये लॉट साइज जो होता है इसका होता है 1200 का लॉट साइज होता है और ओपन इंटरेस्ट इसमें 24% प्लस हुआ है। इसमें देखेंगे तो बाई 4,30,000 है, सेल है 4,96,000, ये है कॉल ऑप्शन है 740 का। इसका ओपन 16 पे गया, हाई बनाया 18 रुपये का, लो बनाया 14 रुपये का, क्लोज हुआ 17 रुपये के आसपास, सेल 85-17 रुपये। मीन्स क्लोज जब हुआ ये तो बाइंग के साथ क्लोज हुआ, पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ, एक अच्छा पैटर्न है, एक अच्छा चीज है। तो 740 का कॉल ऑप्शन अगर आपको देखना है तो ट्राई कर सकते हैं 17 रुपये के आसपास। लॉट साइज इसका 1200 का है, आपको बता दिया 1200 का लॉट साइज है। ओपन इंटरेस्ट इसमें 24% से बिल्टअप हो रहा है। तो एक्सिस बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए अभी एक बार जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपको एक्सिस बैंक भी ऊपर जाते हुए दिख सकता है।
तो एक्सिस बैंक में जो रहेगी अभी थोड़ा सा बुलिश सिग्नल है, खरीदारी ही रहेगी। तो एक्सिस बैंक में अपनी पोजीशन को देखें, बनाएं और सतर्क रखें। और चूंकि ये चार्ट पे सारे अबव लेवल को तोड़ा हुआ है, जितने भी इसकी हाई वीकली सबके ऊपर ही काम कर रहा है, तो आप देखेंगे ये हाईएस्ट लेवल पे जाके काम कर रहा है। तो एक ये पॉजिटिव सिग्नल यहाँ से भी मिलता है कि हर लेवल को भी तोड़ के ये ऊपर की ओर निकलना चाहता है। तो अच्छा है ये एक्सिस बैंक में, एक्सिस बैंक एक अच्छा स्टॉक है जहाँ पर आपको टेस्ट करना चाहिए, वेट करना चाहिए। और स्टॉप लॉस लगाना है तो आप इसका जो लो था 700 रुपये का, वहाँ स्टॉप लॉस लगा करके 740 के प्लस पे बाइंग कर सकते हैं। इसकी जो अभी करंट मार्केट प्राइस है क्लोजिंग जो हुआ 733 रुपये 40 पैसे हुआ है। तो एक्सिस बैंक में एक पॉजिटिव सिग्नल जनरेट होता रहा, चूंकि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये भी स्कीम ऊपर जाने की संभावना बहुत से बहुत ज़्यादा है। तो एक्सिस बैंक में ये मेरा सिर्फ एजुकेशनल कॉल था। अगर कोई मार्केट में पोजीशन बनाना चाह रहा है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही बनाएंगे। पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।